लॉकडाउन के बाद जहां तमाम कारोबार ठप पड़े थे, वहीं रियल स्टेट का बाजार नीमच में बूम पर था। इसमें सबसे ज्यादा तेजी मंडी से जुड़े भरभड़िया बायपास पर थी। आम लोग मंडी को लेकर यहां जमीनें खरीदने में लगे थे। इसका फायदा ब्रोकर्सों ने भी खूब उठाया और अपने चाहने वालों को इस बायपास पर जमीनें दिलवाई और यहां कहा कि सेठ जी जमीन रख लो, बयाने पर बेच देंगे और एक के चार हो जाएंगे। बस फिर क्या था, बायपास पर जमीन लेने की होड़ मच गई। पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर सौदे होने लगे, लेकिन पिछले 15 दिनों से बायपास के सौदे अधर में लटक गए, क्योंकि केंद्र सरकार के नए मंडी कानून ने जमीनों के भाव को नीचे ला दिया। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ई मंडी का कॉन्सेप्ट लेकर आ रही है, जिसके तहत गांव-गांव में मंडी की चौपाल होगी। वहीं प्राइवेट सेक्टर में कोई भी मंडी ऑपरेट कर सकता है, यहां तक कि वेयर हाउस मालिक भी अपने यहां मंडी चला सकता है। ऐसे में नई मंडी के औचित्य पर सवालिया निशान लग गया। लोगों ने सोचा था यहां गोदाम और सॉर्टेक्स बनेंगे, जमकर जमीनों की बिक्री होगी, लेकिन इस नए कानून ने तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जिले में वैसे ही जो है आमतौर पर भूमि जो है कृषि भूमि और जो व्यावसायिक भूमि उसके कीमतें बहुत अधिक है, परंतु चंगेरा में जब से मंडी शिफ्ट होने का कार्य प्रारंभ हुआ था, वहाँ मंडी स्थापित होनी थी, कार्य प्रारंभ हुआ था, तब से चंगेरा कनावटी और आसपास की जगहों के दाम एकदम आसमान छूने लगे थे और आम आदमी की पहुँच से बाहर निकल गए थे। यदि कोई व्यक्ति वहाँ ज़मीन खरीदना चाहे तो उसमें उसको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ रहा था। और जैसे ही केंद्र सरकार द्वारा नया जो मंडी कानून लागू किया गया, तो इसमें यह हो गया कि कोई भी व्यक्ति किसानों से डायरेक्ट माल खरीद सकता है, कोई भी व्यापारी खरीद सकता है, कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है, ऑनलाइन मंडी भी चालू हो गई, ऑनलाइन भी माल खरीद सकता है। तो ये सब सुविधाएँ मिलने के बाद जो है अब बड़ी बात यह है कि वहाँ जो है किसान भी क्यों जाएगा और व्यापारी भी क्यों जाएगा, क्योंकि व्यापारी को माल जो है बाहर मिल जा रहा है, ऑनलाइन मिल जा रहा है, तो ऐसे में ज़मीनों के दाम जो है वहाँ फिर दोबारा चंगेरा में औंधे मुँह गिरने लगे हैं और काफ़ी जो है कीमत कम हो गई। और ये बहुत अच्छा हुआ है आम जन के लिए, आम जनता के लिए, ताकि वह ज़मीन आम जनता की पहुँच में भी रहे और मंडी, नया मंडी एक्ट लागू होने के कारण ये जो है हुआ है। नहीं तो जो ज़मीनें थी वहाँ 10-10 गुना तक ज़मीनों की कीमतें बढ़ गई थी, परंतु वापस जो है वो जो है आसमान से धरातल पर आती हुई दिख रही है ज़मीनों की कीमतें, और ये बहुत अच्छा कार्य। नई मंडी के कहना का मतलब ये था कि जब मंडी की ओपनिंग हुई थी तो उससे क्या ज़मीनों के भाव क्या आसमान छू रहे थे, और जब से शासन ने ई मंडी का शुरुआत करी है तो इससे क्या ज़मीनों का भाव क्या वापस डाउनफॉल पर आ रहे हैं। अभी क्या मैंने कहा ज़मीनों की लेवाली ना बेचवाली हो नहीं पा रही, कहने मतलब उससे क्या थोड़ा डाउन स्थिति आ रही है चंगेरा मंडी से। उस टाइम का ई मंडी का मैटर नहीं था, अब ई मंडी का मैटर आने से थोड़ा क्या आदमी की मनोवृत्ति चेंज हो रही है। आसपास लोग ई मंडी के हिसाब से तो वो माल उधर ही आसपास ही ले रहे हैं, मतलब उधर क्या डाउन फॉल आ रहा है। नीमच से दीपक कदाबिया की रिपोर्ट।